इलेक्टोरल बॉन्ड्स का गैर कानूनी संविधान विरोधी कानून बनाया था, संविधान के खिलाफ अपराध करके कानून बनाया था। अभी तो लड़ताल लगाई है और अभी बीजेपी के सारे लोग अरेस्ट होने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, कि सुप्रीम कोर्ट की रक्षा के लिए देश के मालिक देश की जनता खड़ी हो गई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से अब थोड़े थोड़े अच्छे फैसले आने शुरू हुए हैं। फ्रंट कंपनीज बना के, शेल कंपनीज बना के अडानी अंबानी अमित शाह जी ने, मोदी जी ने ये जो पैसा चुराया है देश की जनता का, ये चुराया हुआ ही पैसा तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, यही तो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। जिसे भी ये कहना है कि मुझे पेपर बैलेट से चुनाव नहीं चाहिए, मुझे ईवीएम से ही चुनाव कराने हैं, तो वो चोर है, बेईमान है, लुटेरा है वोटों का, वो दगाबाज है। देश का संविधान आज भी ये कहता है कि पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए, ये देश का कानून है। 80 करोड़ लोगों को मोदी की गारंटी है अगले 5 साल तक गरीब बना के रखूंगा। 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज देने की उन्होंने 5 साल की गारंटी दी है, क्या है इसका मतलब? इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये क्रिमिनल ऑर्डर जो पास किया है इसका हम कोई संज्ञान नहीं लेंगे, क्योंकि ये अपने आप में क्रिमिनल ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ है जो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। क्या रीजन दिया सर पुलिस ने आप लोगों को? पुलिस ने रीजन हमें नहीं जो दिया है वो ये दिया है, क्योंकि किसानों का आंदोलन है, इसीलिए हमने किसान यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली और ये सब ना ले आए, इसलिए हम लोग जो हैं धारा 144 लगा रहे हैं। धारा 144 11 तारीख को लगाई थी फरवरी की और एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी। तो ये अमित शाह जी के भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने एक अपराध किया है, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है 2020 के ऑर्डर का, और उस कंटेम्प्ट को के जो कंटेम्प्ट करके जो ऑर्डर हुआ है आज तक दिल्ली पुलिस ने कोई गाइडलाइंस, सरकार ने कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई है 2020 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, के 2 महीने के अंदर अंदर आपको गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी। तो अगर गाइडलाइन नहीं बनाई है तो जंतर मंतर पे ही नहीं, मैं आप लोगों को ये कानूनी बात बता रहा हूँ, दिल्ली के किसी भी कोने पे, किसी भी जगह से कितना भी बड़ा प्रदर्शन हो, जब तक वो शांतिपूर्ण है रोकने का कोई कानूनी ताकत दिल्ली पुलिस की, अमित शाह साहब की पुलिस के पास नहीं है। ये भ्रष्टाचार के जरिए ये दबाव बना के ज़बरदस्ती जो क्रिमिनल ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं इसका संज्ञान हम नहीं लेते। अब क्या करने वाले हो सर आगे आप लोग? कल प्रोटेस्ट होगा, अमित शाह जी को गोलियाँ चलवानी है गोली चला ले, अमित शाह जी खुद आ जाएँ, अमित शाह जी अपने साथ जितने भी गुंडे मवाली हैं उनके पुराने दोस्त यार हमें ये अडानी जी को ले आएँ, अंबानी जी को ले आएँ, सबके क्रिमिनल जो बदमाश और गुंडे हमारे पीछे वैसे ही हमें मारने के लिए लगा रखे हैं ले आएँ। पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, पेपर बैलेट से चुनाव होगा और किसी तरीके से चुनाव नहीं होने दिया जाएगा। ये देश की जनता ने फैसला किया है और हम लोगों की जिम्मेदारी लगाई है, आप लोगों की जिम्मेदारी लगाई है ईमानदार पत्रकारों की, ये हम करके रहे। सर ये जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है ना, बैलेट पेपर से होगा ईवीएम से, आप कौन है फैसला लेने वाले? चुनाव आयोग चोरी कर रहा है ना, नौकरी नहीं चोरी कर रहा है। अभी तो चुनाव आयोग और SBI और अभी तो भारतीय जनता पार्टी और जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का गैरकानूनी संविधान विरोधी कानून बनाया था, संविधान के खिलाफ अपराध करके कानून बनाया था, अभी तो लड़ताल लगाई है और अभी बीजेपी के सारे लोग अरेस्ट होने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, मैं आपको बता दूं ये भी बात। और हमने जो वार्निंग दी थी चुनाव आयोग को और SBI को कि आपको 3 हफ्ते और 1 हफ्ते का वेट नहीं करना है, तुरंत वो फाइल कीजिए ताकि हम अमित शाह जी को, नड्डा जी को और मोदी जी को, मोहन भागवत जी को, इन सभी लोगों को अरेस्ट कराने की दरखास्त अदालतों में ED के सामने CBI के सामने लगा सके। तो ये SBI और इलेक्शन कमीशन ठीक काम नहीं कर रही अभी भी। तो सर कहा जा रहा है कि सरकार ऑर्डिनेंस लाने के लिए है ट्रैक में। ऑर्डिनेंस भी लाए ना, लाएंगे ऑर्डिनेंस से पहले जो पार्लियामेंट से कानून पास कराया था उसी को तो अपराध बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये अपराध था संविधान के खिलाफ। अब ऑर्डिनेंस के माध्यम से भी अपराध करेंगे तो वो भी अपराध ही है ना, और मुकदमे दर्ज होंगे मोदी जी के खिलाफ अगर अपराध लाते हैं। ऑर्डिनेंस लाते हैं, चुनौती देने की तैयारी में है ना सरकार, तो चुनौती देगी चुनौती दे लेना। सुप्रीम कोर्ट ने भी देश की जो सबसे बड़ी अदालत है ना, जनता की अदालत, उसने जब अपने तेवर दिखाए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इज्जत करके और ये देख के कि सुप्रीम कोर्ट की रक्षा के लिए देश के मालिक देश की जनता खड़ी हो गई है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से अब थोड़े थोड़े अच्छे फैसले आने शुरू हुए हैं, उसका हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन साथ साथ देश की जनता को सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और दूसरे जितने संस्थान हैं ED CBI इसके साथ भी खड़े रहना चाहिए, बड़े बड़े प्रदर्शन पीसफुल करने चाहिए कि ED तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, ED तुम अमित शाह जी को अरेस्ट करो हम तुम्हारे साथ हैं, ED तुम मोदी जी को अरेस्ट करो हम तुम्हारे साथ हैं, ये देश की जनता को करना पड़ेगा। ED तुम मोहन भागवत जी को अरेस्ट करो, देश की जनता तुम्हारे साथ है। ED और सुप्रीम कोर्ट तुम संघर्ष करो, सुप्रीम कोर्ट तुम न्याय करो, देश के मालिक देश की जनता तुम्हारे साथ है। ऐसे आंदोलन अगर हम खड़े करेंगे तो देश में संविधान का राज बढ़ेगा, कानून का राज बढ़ेगा और मजबूत होगा।
लेकिन कहा जा रहा है इस वाले फैसले पर मोदी जी भी बोले हैं, देखिए सुदामा और कृष्णा की उन्होंने एक कहानी सुनाई है कि सुदामा की पोटली अगर कृष्ण को देंगे तो लोग उसका पीएल डाल जाएंगे, इसमें भी भ्रष्टाचार है। तो यही तो बता रहे हैं हम, इसमें देने वाला कौन है, यही आप लोगों को तो समझाते समझाते देश की जनता को इतना टाइम लग रहा है। देने वाला कौन है, देश की जनता है, देश की जनता है। ये जो अडानी अंबानी और दूसरे फ्रंट कंपनीज बना के, शेल कंपनीज बना के अडानी अंबानी अमित शाह जी ने, मोदी जी ने ये जो पैसा चुराया है देश की जनता का, ये चुराया हुआ ही पैसा तो इलेक्ट्रोनल बॉन्ड्स में, यही तो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आपका मेरा किसानों का पैसा चुरा के तो इलेक्ट्रोनल बॉन्ड्स में गया था, वही चोरी और डकैती तो पकड़ने के लिए जनता कह रही है कि हम इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट कर रहे हैं कि 3 हफ्ते का इंतजार मत करो, अभी पकड़वाओ चोरों को। मतलब सुदामा की पोर्टली में भी आपको भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आप मुझे एक अलग डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ देने वाला कौन है, देश की जनता देने वाली है। कह रहे कोई भी उठता पीएल डाल जाता सुप्रीम कोर्ट में जाकर। हाँ, देश की जब तो पीएल डालने की भी जरूरत नहीं, देश की जनता को जाग गई है, खुद ही नौकरों के कान पकड़ के नीचे ले आएगी मोदी जी जैसे, देश की जनता मालिक है ना, और मोदी जी एक बेईमान नौकर साबित हो रहे हैं देश की जनता की आंखों में, तो खुद ही कान पकड़ के पीसफुल प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं अमित शाह। जब तक ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है देश की जनता जो मालिक है देश की, वो नौकरों से, अमित शाह जी से, मोदी जी से, मोहन भागवत जी से, और जो ये मंत्री संतरी हैं जिनसे नाराज हो गई है, इलेक्शन कमीशन से नाराज हो गई है, और उनके कान उमेट के उनको उनकी औकात में लाने का काम देश की जनता कर रही है, इससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इस फैसले से बीजेपी को क्यों दिक्कत हो रही है सबसे ज्यादा? किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को, इसमें बीजेपी की बात नहीं करते हम, बीजेपी और आरएसएस की बात नहीं करते, जिसे भी ये कहना है कि मुझे पेपर बैलेट से चुनाव नहीं चाहिए, मुझे ईवीएम से ही चुनाव कराने हैं, तो वो चोर है, बेईमान है, लुटेरा है वोटों का, वो दगाबाज है। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है, कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, ममता बनर्जी की टीएमसी हो, कोई डीएमके कोई पार्टी हो, अगर वो ये कहती है कि तुम चाहे ईवीएम से चुनाव कराओ, चाहे चुनाव आयुक्त या पेपर बैलेट से कराओ, हमें क्या फर्क पड़ता है, ईमानदारी से चुनाव कराओ सिर्फ, जो ये कहता है, जो अपने मेंबर्स को चुनाव की जो मशीनें बनाने वाली कंपनीज में अपने पार्टी के वर्कर्स को मेंबर बनाता है, वो बेईमान और चोर है। अगर ईमानदार पार्टी होगी तो वो कहेगी पेपर बैलेट से कराओ, क्योंकि अगर सच में ईमानदार पार्टी होगी, क्योंकि कानून ये कहता है, देश का संविधान आज भी ये कहता है कि पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए, ये देश का कानून है आज भी। अगर अमित शाह जी के पास, अगर मोदी जी के पास उनका कोई बड़ा लॉ ऑफिसर है, लॉ मिनिस्टर है, तो मुझसे डिबेट कर लें आप जैसे ईमानदार पत्रकारों के सामने, लाइव आके मैं साबित कर दूंगा कानून की किताब से कि आज भी पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए कानून के मुताबिक। 100 दिन भी नहीं बचे हैं अब चुनाव में, अब आप कैसे हटाएंगे ईवीएम, बताइए सर। मैं थोड़ी हटा रहा हूँ, मैं आपको कितनी बार बताऊंगा, देश की जनता देश की मालिक हटा रही है, किसी की मजाल, किसी नौकर की मजाल नहीं है जो ईवीएम से चुनाव करा दे, और ये देश की जनता ने फैसला कर लिया है। तो आप कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नौकर हूँ, मोदी जी की तरह ईमानदार बेईमान नौकर नहीं हूँ मैं, जो जनता कह रही है, मैं ईमानदारी से बहादुरी से देश की जनता का हुक्म बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में गिनती हुई है वोटों की अभी तक के इतिहास में? अभी बहुत सारी चीजें पहली बार होनी है, प्रधानमंत्री भी शायद पहली बार जेल जाएंगे, पहली बार बहुत सारी चीजें होनी है, पक्का जाएंगे, जितने सबूत इकट्ठे हो चुके हैं ना पक्के जाएंगे। जिस दिन देश की जनता उठ खड़ी हुई ना, तो कोई भी नौकर चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, जेल जाएगा, देश की जनता उठ खड़ी। चंडीगढ़ मामले में मुंह की खानी पड़ेगी बीजेपी को सर, देखिए मुंह की, अभी मुंह के बल जेल भी जाना पड़ेगा, चिंता मत करो आप। और मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी एक ही है सिर्फ, और वो ये है जो उन्होंने अपने आप दिए अभी खुद अपने आप आगे बढ़ के, 80 करोड़ लोगों को मोदी की गारंटी है अगले 5 साल तक गरीब बना के रखूंगा, 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज देने की उन्होंने 5 साल की गारंटी दी है। क्या है इसका मतलब कि अगले 5 साल तक एक भी इनमें से 80 करोड़ लोगों को मैं गरीबी की रेखा से बाहर नहीं आने दूंगा, ये गारंटी दी है उन्होंने। ऐसे आप ईवीएम की लड़ाई लड़ने उधर 400 प्लस जा रहे हैं, वो देखिए ईवीएम से ही जा रहे हैं 400 प्लस, अगर ईवीएम हटा दो पेपर बैलेट आ जाएंगे जो देश की जनता लाएगी, 40 नहीं आएंगी 40। आपके सारे साथी बीजेपी में जा रहे हैं, देखिए धीरे धीरे। हमारा एक भी साथी बीजेपी में जाएगा ही नहीं, हमारा जो संविधानवादी एक भी साथी जा ही नहीं सकता ना, देश के गद्दारों के साथ क्यों जाएगा? आरएसएस और बीजेपी तो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर और बहुत सारे लोग बीजेपी से को गाली दे रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी को खुद उनके लोग गाली क्यों दे रहे हैं, मोदी जी को गाली क्यों दे रहे हैं, क्योंकि शायद
उनको ये नजर आ गया दो चीजें कि मोदी जी उनमें से भी बहुत सारे लोगों को टिकट देके बीजेपी का हरवा देंगे ईवीएम के माध्यम से, दूसरा शायद उनके अंदर ईमानदारी का देशभक्ति का एक कीड़ा जाग गया है इसीलिए वो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। पीछे पुलिस पड़ी है, अभी पुलिसकर्मी आ गए हैं पीछे में भी सर। अमित शाह जी अपने गुंडे पुलिस में जो पुलिस की शक्ल में जो भी उन्होंने गुंडे भर्ती कर रखे जितने मर्जी गुंडे ले आए अमित शाह जी और मोदी जी, हम डरने वाले नहीं है, हम संविधान के मानने वाले हैं, संविधान से हरे गुंडे को हराएंगे। सर आपको आंदोलन की कल की अनुमति? परमिशन चोर जो बेईमान अफसर है वो देंगे? बेईमान नौकरों से परमिशन कहाँ चाहिए? जाएंगे सर आप तो गिरफ्तार कर लेके जाएंगे? तो पहली बार थोड़ी होंगे, पहली बार होंगे या पहली बार लाठियां खाएंगे? दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ऋतु से लेकर ईवीएम से लेकर किसानों के आंदोलन से लेकर और देश के गरीब बेरोजगार जो सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं और जो यात्राएं निकल रही है उसमें कितना जुल्म नहीं कर रही पुलिस आरएसएस और बीजेपी के माध्यम से, ये किसी से डरने वाले नहीं है। मोदी जी तैयारी कर लें, देश की जनता आ रही है उनको जेल भिजवाने के लिए।